क्या आपके यूरिन में झाग आता है? घबराइए मत। झाग यूरिन में आना या फोमी यूरिन होना एक कॉमन कंडीशन है और कई बार तो ये नॉर्मल ही होता है, ये कोई घबराने वाली चीज नहीं होती है। बहुत सिंपल रीजंस के कारण यूरिन में झाग आ सकता है, जैसे कि आपने यदि पानी की मात्रा कम रखी हो तो डिहाइड्रेशन की वजह से ही यूरिन क्लियर नहीं रहता है और फोम बनाता है। इसी तरह अगर आपने यूरिन क्लीन करने के लिए कोई केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल किए हों तो उनसे भी झाग बन सकती है। यदि आपकी यूरिन की धार बहुत तेज हो तो वो भी झाग बना सकती है। तो ये सिंपल कंडीशन से भी हो सकता है, बट इनके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जो यूरिन को फोमी कर सकती हैं, जैसे कि यदि यूरिन में इन्फेक्शन हो तो वो यूरिन में झाग क्रिएट कर सकता है। यदि जॉन्डिस हो रहा हो और बिलिरुबिन बढ़ा हो तो वो भी यूरिन में झाग क्रिएट कर सकता है। शुगर के पेशेंट्स को कभी कभी यूरिन में झाग बन सकता है। इसके अलावा यदि यूरिन से संबंधित कोई बीमारियां हो, किडनी से संबंधित बीमारियां जिसमें कि प्रोटीन यूरिन में जा रहा हो, तो उससे भी यूरिन में झाग बन सकता है। किसी किसी में सीमन सेक्स के बाद यूरिन में जाता है और उसके कारण भी झाग बन सकता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं यूरिन में झाग बनने के लिए और ये आमतौर पर बहुत सिंपल किसी बीमारी के बिना कंडीशन हो सकती है। तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं होती है, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल कर दीजिए, डिहाइड्रेटेड मत रहिए, गर्म वातावरण में अगर रह रहे हैं तो उससे भी दूर रहिए, तो इन सब चीज़ों से लाभ हो सकता है और वो झाग क्लियर हो सकता है। यदि फिर भी आप नोटिस करें कि कोई तकलीफ है तो फिर मामूली टेस्ट कराकर देख सकते हैं कि अंदर कोई परेशानी तो नहीं है यूरिन में, और अकॉर्डिंगली फिर अपने डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं।